हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या इलास्टिक कोलिजन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता था कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता था। मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में कंजर्व रहता है। ठीक है, मोमेंटम हर तरह के कोलिजन में कंजर्व होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन होता क्या है बेसिकली, ठीक है, समझिए यहाँ पर बात। एक मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और एक मास m2 है, उसका वेलोसिटी u2 है। आफ्टर कोलिजन यहाँ पर कोलाइड किया, यहाँ पर m1 और m2 कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद क्या हुआ कि जो m1 है और m2, ये m1 और m2 ये दोनों साथ मूव करेंगे कुछ वेलोसिटी v से। मतलब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी जो होते हैं कोलिजन के बाद अलग अलग हो जाता है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी साथ साथ मूव करता है कोलाइड करने के बाद। कोलाइड करने से पहले तो अलग अलग था, लेकिन जैसे कोलाइड किया उसके बाद अलग, मतलब एक साथ हो गया। ठीक है, और ये एक साथ मूव करेगा, ठीक है, एक साथ आगे मूव करेगा। ओके, अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये कोलाइड करने में कुछ अपना एनर्जी लॉस कर देता है। बेसिकली इलास्टिक कोलिजन में भी होता है, लेकिन हम लोग अजम्पशन मान लेते हैं कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं रहता है। देखिए, यहाँ पर बेसिकली मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी शुरुआत में जो वेलोसिटी था m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू मास m1 प्लस मास m2, दोनों मास साथ हो गया, उसके बाद वेलोसिटी v, ये हो गया आपका मोमेंटम कंजर्व हो गया। क्या हो गया? मोमेंटम कंजर्व हो गया। लेकिन यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा, शुरुआत वाला जो काइनेटिक एनर्जी था वो ज्यादा होगा फाइनल वाला काइनेटिक एनर्जी से। मतलब कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ था, इन दोनों बॉडी, मतलब इस सिस्टम का। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि एक पार्टिकल का नहीं देखना है। ठीक है, एक पार्टिकल का नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए, मैं मोमेंटम कंजर्व क्या हूँ, तो पहले इनिशियल सिस्टम का सम, उसके बाद फाइनल सिस्टम का सम। ठीक है, सिस्टम एक ही है, लेकिन उसमें सिस्टम के अंदर चेंज आया। सिस्टम के अंदर चेंज आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम पूरे सिस्टम पर अलग से कुछ लगता ना, फोर्स अलग से, तब चेंज होता है। लेकिन सिस्टम में एक्सटर्नली कुछ नहीं हुआ, इंटरनली ही हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, तो कंजर्व रहा मोमेंटम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में ये हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ नहीं है। सिंपल बात है कि यहाँ पर जो साथ कोलाइड करने के बाद क्या करेगा, साथ मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, और मोमेंटम कंजर्व हर तरह के कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, और बेसिकली देखिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा क्या, रेस्टिट्यूशन जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ई का जो वैल्यू होता है यहाँ पर जीरो होता है इन इलास्टिक कोलिजन में। देखिए, ई का फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग v2 - v1 डिवाइड बाई u1 - u2, ये था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन इलास्टिक कोलिजन का। मैं आप लोगों को पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इलास्टिक कोलिजन के वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जो इसका क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है इसका जीरो होता है। ठीक है, तो जब हम लोगों को मिल जाए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो, तो वहां पर हम लोग क्या समझ में आ जाना चाहिए कि इसे जो ये जो कोलिजन हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन, और यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि मास एक साथ चल रहा है और मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब थोड़ा सा लॉस हो जाता है कोलिजन के दौरान। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।